तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। ये हम चॉप बनाना सीख रहे हैं। पहले हल्का तेल गरम कर ले कढ़ाई में मध्य आंच पे, फिर लहसुन उसमें डाल के लहसुन को थोड़ी देर पकाएं। फिर ये हमारा चॉप कटा हुआ तैयार है, सोयाबीन का चॉप। और हमने इधर बारीक टमाटर, लहसुन, प्याज काट के रखे हैं। अब ये हमारा लहसुन थोड़ा रेडी टाइप का हो गया है, इसमें प्याज, मिर्चा और मसाले, हम इसमें हल्के हरे मसाले। अब इसको 5 से 10 मिनट हम लोग इसमें फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है और ब्राउनिश अभी होने वाली है, तो इसे देखिए एकदम बिल्कुल मध्यम आंच पे हम इसे बनाएंगे। प्याज जब भुन जाए उसके बाद फिर हम इसे और थोड़ी देर अभी इसको रखेंगे। ये देखिए प्याज हमारा पक गया है और इसमें हम लोग ये मसाला हल्का सा पानी में उसको और नमक के साथ फुला के रखेंगे और ये पानी में हमारा सारा मसाला एक साथ डाल के और इसके ऊपर टमाटर अब डालेंगे। और डालने के बाद अब इसे हम लोग 5 मिनट थोड़ा तेज आंच फिर मध्यम आंच में इसे पकाएंगे, फिर प्याज हमारा अच्छी तरह पक जाएगा और मसाला भी। और नमक इसमें हम स्वादा अनुसार डाल लेंगे कि आगे हमें डालना ना पड़े, कि मसाले के साथ अच्छी तरह मिल जाए नमक। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है लगभग, लेकिन थोड़ा सा पानी जो दिख रहा है उसे भी और थोड़ा हम मध्य आंच पर पकाने हैं। ये मसाला हमारा पूरी तरह पक चुका है, अब तेल भी हल्के हल्के छोड़ने लगे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब उसमें हम लोग ये सोयाबीन की चॉप जो उबली पड़ी हमारे पास रखी हुई थी, अब वो डाल के थोड़े से इसे मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पानी डालेंगे कि थोड़ा ग्रेवी हो जाएगा। ऐसे आप इसे 5 मिनट के बाद इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और इसे पका के पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी अगर बना रहे हैं कि चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकें। अब ये हमने इसमें पानी डाल दिया है ग्रेवी अनुसार, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, और इसे थोड़ी देर के लिए खौला लेंगे और ये हमारा तैयार होने लगेगा। ये हमारा मसाला और पानी दोनों खोल रहे हैं, इसमें अच्छे से चॉप हमने उबाल लिए हैं। और थोड़ी देर के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर ये हम हरी कटी हुई धनिया डाल रहे हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सोयाबीन चॉप की रेसिपी थी, जो कि आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर।